हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस तरह के कनेक्टर्स और इस तरह के कुंदन के फ्लावर्स को यूज़ करके माथा पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 4 mm के वाइट क्रिस्टल यूज़ किए हैं और इस धागे में मैंने हेड के अकॉर्डिंग इतना लंबा थ्रेड ले लिया है। ये मैंने डबल करके लिया हुआ है थ्रेड, ठीक है। तो ये मैंने 5 hole कनेक्टर लिया था, तो मैंने इसमें इस तरीके से ये थ्रेड इस तरीके से मैंने नॉट टाई कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये देखिए, ये इसके प्लास्टिक के वायर में बंधे हुए आते हैं ये क्रिस्टल। तो ये देखिए, ये मैंने प्लास्टिक के वायर में एक लूप बना लिया और इस लूप के अंदर मैं ये थ्रेड इंसर्ट कर रही हूँ और इस थ्रेड में मैं इसी तरीके से ये मोती को मैं इंसर्ट कर दूँगी थ्रेड के अंदर ही प्लास्टिक वाली लूप से। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था थोड़ा सा वीडियो, ताकि लेंथी ना हो। इस तरीके से सारे बीट्स मैं उतार लूँगी और मैंने सेकंड लास्ट और लास्ट वाले में 12 लिए हैं, सेंटर वाले में 10 बीट्स लिए हैं और इसके बाद भी दोनों साइड में इस तरीके से 12 लिए हैं। उसके बाद मैंने इस तरीके से फ्लावर को इंसर्ट कर दिया था इसमें। इसी तरीके से मैंने 3 फ्लावर इसमें इसी तरीके से इंसर्ट कर दिए हैं और लास्ट वाली जो मैं लगा रही हूँ, जिसमें 5 hole कनेक्टर वापस से कनेक्ट करूँगी एंड करने के लिए, तो उसे भी मैं इसी तरीके से करूँगी। ये देखिए गाइस, तो ये देखिए इस तरीके से लूप बनाकर और अब मैं इसे इस तरीके से, ये देखिए, और इसी तरीके से मैंने टीके में सेंटर वाले फ्लावर में टीके के लिए इस तरीके से 3 थ्रेड इंसर्ट कर लिए थे और इस तरीके से क्रिस्टल लगा के और ये लास्ट में मैंने फ्लावर लगा दिया टीके के लिए। और अब मैं दोनों साइड इसमें 4 lock लगा रही हूँ विद हुक। तो ये देखिए, मैं इसमें 4 lock लगा देती हूँ और ये मेरा पीस बन के रेडी हो जाएगा। अब ये पीस थोड़ा हैवी है, तो अगर आप चाहें तो इसे हेयर क्लिप की हेल्प से ही अपने हेयर्स में इंसर्ट करें। ये देखिए, तो ये इस पीस का लुक है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से लगेगा। मैंने सिर्फ इसमें ये लॉक किया है, बट अगर आप इसमें क्लिप लगा लेंगे तो बेटर रहेगा, ये इस तरीके से आएगा नहीं। तो ये मेरा पीस। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब।